जिस दिन एक दिन राष्ट्रीय का भी मुंह खुलने वाला है, बहुत जल्दी देख लेना आप लोग, क्यों नहीं पहनती है, मांग क्यों नहीं भरती है, नहीं पहनना मुझे मंगलसूत्र, नहीं भरनी मुझे मांग, ऐसे पाखंडी के नाम की मांग भरूंगी क्या मैं? धनंजय मुंडे को अपना पति नहीं, पति तो न जाने वो कितनियों का है, न जाने कितनी औरतों से बच्चे पैदा कर रखे हैं। हर 5-6 महीने में धनंजय मुंडे क्यों भर्ती होता है? इसके पीछे भी बहुत गहरे गहरे राज हैं। तो ठीक है करो, एक बात ध्यान रखना, ये आदमी किसी का मीत नहीं है, मुंडे साहब के टुकड़े खा के उनको ही अपनी औकात बताई इसने। उसके बाद शरद पवार जी ने इसको कचड़े में से उठाया, ये बनाया, अपोजिशन का लीडर बनाया, उसके बावजूद उनका एहसान मानना तो दूर की बात, उनके साथ भी 2019 में अजीत दादा को लेके बीजेपी में चला गया क्योंकि उसको गृहमंत्री का पद मिलने वाला था। और उसके बाद बबन गित्ते, शिवराज बांगर, सबको उसने धोखा दिया है, मुझे अपनी पत्नी को धोखा दिया है, राजश्री को भी क्यों रख के बैठा है? जिस दिन एक ना एक दिन राजश्री का भी मुंह खुलने वाला है, बहुत जल्दी देख लेना आप लोग, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हो, क्योंकि वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, उसकी भी एक ना एक दिन सीमा टूटेगी। और ये क्या क्या करवाता है अपनी औरतों से भी, ये भी सब लोगों को एक दिन बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा। तो आज ये किसी का मीत नहीं है, जिसका खाता है उसी की थाली में छेद करता है। आज मैंने भी धनंजय मुंडे, पति शब्द बहुत छोटा है मेरे लिए, बहुत छोटा, पति शब्द बहुत छोटा है, हर कोई की पत्नी होती है और हर कोई का पति होता है। आज सिर्फ मैं जब जेल से भी निकली, आज मुझे लोग कमेंट करते हैं कि मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती है, मांग क्यों नहीं भरती है, नहीं पहनना मुझे मंगलसूत्र, नहीं भरनी मुझे मांग, ऐसे पाखंडी के नाम की मांग भरूंगी क्या मैं? जो जेल से निकलने के बाद भी वाल्मीकि अन्ना मेरी गाड़ी में थे, मेरे पति का फोन आया, मैंने यही बोला, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर और तब भी मैं मांग भरती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, सब करती थी, पर उसके बावजूद मेरे पीछे आदमी छोड़ता है, ऐसा नीच नपुंसक आदमी, इतना गिरा हुआ, अपनी पत्नी के पीछे आदमी छोड़ता है। तब से मैंने ये मांग भरना, मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने धनंजय मुंडे को अपना पति नहीं, पति तो न जाने वो कितनियों का है, न जाने कितनी औरतों से बच्चे पैदा कर रखे हैं, आज तक भी मैंने अपना मुंह चुप रखा है, पर अभी मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे पीछे कितने गंदे गंदे षड्यंत्र उसके अभी भी चालू हैं, मेरे झूठे वीडियो बना के वायरल कर रहा है। बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगी मैं, और मैं अभी ह्यूमन राइट्स में भी दिल्ली में जाके सब जगह जाके कंप्लेंट करके आई हूँ कि ऐसे ऐसे गंदे गंदे षड्यंत्र मेरे लिए कर रहा है, कोर्ट में भी मैंने केस दाखिल करा है, बहुत जल्दी सबके सामने सब सत्यता आएगी कि वो वीडियो में मैं हूँ, राजश्री है कि स्वातिका से बुलाई हुई कोई और औरत, पैसे देखे, ये सारा दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ। एक बार मेरी कोर्ट की डेट लग जाए, उसके बाद कोर्ट के सामने होगा, उसके बाद सबके सामने आएगी ये चीज़ें, मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ताई तुम ही ऐसे छोटे लोकांचा मुंह नादी लगू नका, आणि आम्ही कमेंट करतात त्यांच्यावर, जैसे धनंजय मुंडे पैसे देके कमेंट करवाता है, हम आपके शिद्दत वाले कार्यकर्ता, हम आपके लिए कमेंट करते हैं, नहीं, राजकारण करायचे नहीं माला, मी राजकारणी नाही आहे, आणि माला राजकारण पण नाही करायचे आहे। यदि मुझे राजकारण करना होता तो मैं 98 में बीजेपी में थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की मैंने सभा करी थी इंदौर में, मेरे सारे पेपर के कट ऑफ मेरे घर पे होंगे इंदौर में, पर उसके बावजूद भी मैंने धनंजय मुंडे के प्यार मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा। और आज धनंजय मुंडे मेरे लिए इतनी नीच हरकत है, मेरे को जेल में डाला 2 बार, उसके बाद मेरे को पैसे की ऑफर करी थी, पहले जब कोर्ट में केस डाला मेरे को पैसे की ऑफर दी, मैं नहीं मानी, मेरे बच्चों से बुलवाया, मैं नहीं मानी, उसके बाद मेरे बच्चे उठवा लिए, उसके बाद मेरे इतना हैरेसमेंट करा, 2-2 बार जेल में डाला, मेरी बहन को जेल में डाला, उसके बाद आज मेरे बच्चों को आए दिन हैरेसमेंट करता, मेरी गाड़ी उठा ली। और इतनी तुच्छ बुद्धि का आदमी है कि मेरी गाड़ी उठवा ली उसने, और मेरे बच्चे को उसने जीप गाड़ी दी जो मैं लेके घूमती हूँ, वो गाड़ी में ना यूज करूं उसके लिए उसने जीप कंपास गाड़ी दी,
जिसका एवरेज है 2 या 3 का, क्योंकि धनंजय मुंडे को ऐसा लगता है कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे इतनी महंगी गाड़ी चलाऊंगी, इतना महंगा पेट्रोल कैसे करूंगी। इस वजह से उसने जीप कंपास गाड़ी ला के दी इतनी तुच्छ बुद्धि से। और आप लोग यकीन मानेंगे, मैंने आज तक नहीं तो मेरा नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, धनंजय मुंडे का नार्को टेस्ट करवाया जाए, धनंजय मुंडे के नार्को टेस्ट के भी मैं पैसे देती हूँ। और उसके बावजूद आज तक मैंने, धनंजय मुंडे ने जब भी मुझे खर्चे के पैसे दिए, एक एक रुपया बचा के मैंने हमेशा यही करा, एक एक रुपया बचा के उसको मैंने इकट्ठे कर करके जब जब प्रॉपर्टी खरीदी 2009 से लेके अभी तक, स्पिनिंग मिल का, डीसीबी बैंक का, इतनी जमीनें लोगों की खाके बैठा है हड़प करके, इतने बैंकों के करप्शन के केसेस चल रहे हैं, वो सब में मैंने पैसे दिए। 10-10, 15-15 करोड़ की जमानत मैंने भी उसमें पैसा दिया है, अपनी सब प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के। और आज ये आदमी इतनी तुच्छ बुद्धि से काम कर रहा है कि मेरे बच्चे को ऐसी गाड़ी दी जो कि मैं ना ले जा पाऊं, और फिर भी मैं एक ठसन से वो गाड़ी लेके घूमती हूँ। तो मेरे बच्चे को बार बार धमकी देता है कि वो गाड़ी मम्मी को मत दो, नहीं तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। मेरा बेटा भी मेरे जैसा खुददार है। मेरे बेटे ने बोल दिया कि ले जाना है तो ले जाओ, आप एक गाड़ी तो ले गए हो, मेरी भी गाड़ी लेके जाओ। और आज मेरे बच्चे इतना सब कुछ होने के बावजूद, यदि कुछ मेरी जगह कोई और औरत होती ना, धनंजय मुंडे के घर में घुस के उसकी छाती पे लात रख के, नड़ोले पे हाथ लात रख के अपना हक ले लेती। पर मैंने वैसा नहीं करा, मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाही। और अभी भी मैंने अभी 20-25 दिन पहले ही, जब अति का अंत हो गया तब जाके मैंने केस लगाए मेरे पति पे, डोमेस्टिक वायलेंस का और डिवोर्स का। अब जाके मेरी सीमा टूटी है, अब जाके मेरी मर्यादा टूटी है। आज धनंजय मुंडे की रखेले, जिनके ऊपर वो 12-12 करोड़ के स्टूडियो बना के बैठा है यहाँ पे नाचने गाने वालियों के, वो लोग हेलीकॉप्टर में घूमती हैं। और धनंजय मुंडे के जो बच्चे, आज उसकी मासूम सी बच्ची लोकल ट्रेन में कॉलेज जाती है। मुंडे खानदान का इकलौता वारिस जिसके लिए धनंजय मुंडे ने राजश्री के 15 बच्चे गिराए, मेरे 5 बच्चे गिराए कि लड़का पैदा हो। और वो लड़के की आज ऐसी हालत कर रहा है कि मेरा बच्चा ऑटो में घूमता है, पैदल घूमता है मेरा बच्चा, मेरी बेटी लोकल ट्रेन में जाती है। और उसको बताया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसकी नाचने गाने वालियां सब, इसके दल्ले जो इसको लड़कियां प्रोवाइड करते हैं, वो सब 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। आज भीड़ वालों ने इसको मंत्री बनाया। भीड़ वालों ने मंत्री क्यों बनाया? क्योंकि भीड़ का विकास हो। पर विकास कहां पे चल रहा है? पूना में। कहां पे चल रहा है विकास? पूना में 300-400-500 करोड़ की साइट पिंपरी चिंचड़वड़ में भीड़ वाले बैठे रह गए। भीड़ में एक नाली तक नहीं है। इतनी सारी कॉम्प्लेंट्स मेरे पास आके पड़ी है, नाली तक नहीं है, सड़क तक नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, रोजी रोजगार तक नहीं है, किसान परेशान है, बेहाल है। ऐसा आपका धनंजय मुंडे है। और इतनी बात समझ लें, जो लोग मेरे पे गलत कमेंट्स करते हैं कि मैं ब्लैकमेलर हूँ, ये हूँ, हर आदमी को, यदि मैं ब्लैकमेलर हूँ तो धनंजय मुंडे का ब्लैकमेलर के साथ था क्या इतने दिन से? और धनंजय मुंडे की पत्नी ब्लैकमेलर है क्या? तो धनंजय मुंडे भी ब्लैकमेलर हो गया, वही मुझसे ब्लैकमेलिंग का धंधा करवाता होगा। धनंजय मुंडे के बोलने पे ही मैं ब्लैकमेलिंग करती होंगी, हाँ ऐसे ही होगा। धनंजय मुंडे के लोग, मैं उनको क्लियर चैलेंज देके आ जाई हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछे। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों के मुंह मत लगोता है, पर मैं राजकरणी नहीं हूँ, ना ही माला राजकरण कराए चाहे, माला समाजकरण कराए चाहे, जो समाज की जो गंदगी आए ना ते माला सौंपवा चाहे, ते क्लियर कराए चाहे माला। 3-4 बार करोना होता है उसको, सोचिए जरा, सोचने की बात है।
धनंजय मुंडे क्यों को तीन तीन चार चार बार कोरोना होता है, उसके ही क्यों एक्सीडेंट होते हैं, उसका ही क्यों पेट खराब होता है बार बार, हर 5-6 महीने में धनंजय मुंडे क्यों भर्ती होता है, इसके पीछे भी बहुत गहरे गहरे राज हैं। एक एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। 2021 में आपको मालूम है लीलावती हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ था। ये सुबह न्यूज़ आई थी कि धनंजय मुंडे के पेट में दर्द हो गया है और प्रॉब्लम हो रही है, और वो जबकि वहाँ पे रात भर अलीबाग में मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ पूरे फैमिली फोटो वोटो भी है सब मेरे पास प्रूफ है, रात भर पीटा रहा। रात को 3 बजे एक वही नाचने गाने वाली का फ़ोन आया उसका, और हम दोनों का उस बात पे झगड़ा हुआ, और वो वहाँ से भग के डायरेक्ट कि मेरे से उसको मुँहमारी ना करना पड़े और मेरे को इतना मारा है तो मैं कहीं कुछ ना करूँ, अब पुलिस के पास ना जाऊँ कुछ ना करूँ, तो डायरेक्ट जाके लीलावती में भर्ती हो गया। और जब मैं सुबह गई उसको देखने वहां से, तो एक नंगी लड़की को देख के वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। ऐसे सब उसके कारनामे हैं, और अभी भी जो है ये सब नाटक नौटंकी है। और लोग बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल पे देखने नहीं गई, ये नहीं गई। मैं गई थी, तब भी जब देखने गई थी ना और लड़की को देख रहा था, तब भी मेरे को पुलिस वालों से पकड़ के और 6 घंटे तक बांद्रा के पुलिस स्टेशन पे बिठा के रखा। अपनी पत्नी के साथ जो व्यक्ति ऐसा करता है वो बीड़ की जनता को अरे किसी के घर का नौकर बनने लायक नहीं है। खुद बोलता है अपने मुंह से, मेरे पास रिकॉर्डिंग है अभी कोर्ट में, मैं सब देने वाली हूँ, सब मीडिया पे आएगा। 27 तारीख को मेरी डेट है, उस दिन सब मैं मीडिया वालों को बुलाऊंगी वहां और सबको सब वीडियो दूंगी, सारे सब चिट्ठे खोलूंगी उस दिन कोर्ट में देखे। मैं गई वहां पे तो मेरे को पुलिस वालों से बिठाते 6 घंटे वहां बिठाया पुलिस स्टेशन पे, और मेरे को छोड़ा नहीं उसने रात को 8 बजे तक। फिर मेरी बहन ने धमकी दी उसको, तब जाके उसने छोड़ा मेरे को पुलिस वालों से बोल के। पुलिस वाले भी इन लोगों के हिसाब से चलते हैं। तो अरे ये लोग खुद, इसने बोला है मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी कि मेरे पास 18-18 FIR हैं, और कर दे एक और कर दे 19वीं हो जाएगी, जा तू क्या करती है देख लूंगा मैं, ऐसी बोली हुई मेरे पास है, अभी मैं सब कोर्ट में देने वाली हूँ। तो आप सोचिए, अरे 18-19 FIR वाले को आप लोग अपने घर में नौकर भी रखेंगे क्या?